बेटी, मुझे तुम्हारी ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। क्यों पापा? बेटा, बकुल को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, उर्मिला ने अगर उसे फिर से एक बार जेल भिजवा दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ढीला पड़ गया। बकुल बहुत ही शातिर इंसान है और शातिर इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन पापा, इसका ये मतलब तो नहीं कि बकुल से डर के हम अपने और मम्मी के इरादे बदल दें। बेटा, मैं यही सोचता हूँ कि बकुल को पुलिस से छुड़वा कर उर्मिला का जो बदला लेने का इरादा है, कहीं वो गलत साबित ना हो। बेटा, मुझे तो अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी, उर्मिला की और बच्चों की चिंता लगी रहती है। बकुल के सर पर पागलपन का भूत सवार हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बेटी, ये बात तुम भी समझ लो और उर्मिला को भी समझा दो कि जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है, कहीं बदला लेने की इस आग में हम खुद ही न झुलस जाए। लो निधि, घर आ गया। हाँ, पर ये किसका घर है? मेरे दोस्त का। कौन से दोस्त? हाँ, बकुल, बकुल ठक्कर। बकुल? आशुतोष, पर आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि हम बकुल के यहाँ आ रहे। निधि, पहले नहीं बताया, अब बता दिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आशुतोष, वो बकुल, बकुल, I mean बकुल। हाँ निधि, बकुल what? आशुतोष, शायद आप नहीं जानते, पर हमारे पूरे परिवार के रिलेशंस बकुल के साथ ठीक नहीं है। ओफ निधि, घर परिवार रिलेशंस, लेकिन बकुल के रिलेशंस मेरे साथ तो अच्छे हैं ना? तो ठीक है ना, आप चले जाइए, पर मैं बकुल के घर नहीं जाऊंगी। निधि, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है और शादी के बाद कोई आदमी डिनर पे अकेले नहीं जाता है। तो ठीक है, हम दोनों घर वापस चले जाते हैं, पर मैं बकुल के घर नहीं आऊंगी। निधि, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है, अब नहीं जाएंगे तो बहुत खराब लगेगा। और तुम ठीक है, मैं अकेले होके आता हूं, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम यहां बैठ जाना, ठीक है? मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। निधि, निधि, मुझे बहुत खराब लग रहा तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ते हुए, क्या करूं? बट यू नो, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके निधि, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके, बट निधि, एक काम करना, तुम ये फोन रखो ना, घर पे फोन कर लेना, सब परेशान होंगे, फोन कर लेना, बता देना कि हम लोग बकुल के यहाँ आए। लो ना, ले लो। ओके, बाय। आई जस्ट कम इन। मेरे सारे तैयार हो गए। बकुल, तुम्हारा दोस्त नहीं है? अरे आ जाएगा, वैसे भी शहर में खाना जल्दी कौन खाता है? हाँ वो तो है, उसे जब आना हो तब आए, लेकिन देखो मैंने तो सब तैयारी कर ली है। That's very good. तुम जानती हो ना सुजाता, ये आशुतोष हमारे लिए बहुत ही काम का है। हाँ आई नो, तुमने कहा था।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट? 100% करेक्ट। मैं आता हूं। वेलकम आशुतोष, थैंक यू। हाय। हाय। प्लीज कम ऑन, थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारी वाइफ निधि नहीं आई? हाँ, बात तो बीवी के साथ आने की थी। वो बकुल, बीवियों का क्या होता है कि कभी मूड चेंज हो जाता है बस वो। ये तुमने सही कहा, बीवियां होती हैं ऐसी, कब मूड बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बकुल, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट। लेकिन मैं जरा जरा सी बात के लिए अपना मूड चेंज नहीं करता। मैंने प्रॉमिस किया था ना आने के लिए, आ गया। आई वांट टाइम सी। क्या लोगे, सूप, ड्रिंक? आई थिंक नहीं, देखिए सूप पियेंगे तो पेट भर जाएगा और ड्रिंक की वजह से खाना लेट हो जाएगा। जितना खाना ही खाते हैं ना। ठीक है, एज यू विश, कम ऑन, फूड। ओके, मैं तैयारी करती हूं। श्योर। एक आध ड्रिंक चलेगा? नहीं बकुल, कभी और से। श्योर श्योर। वैसे ड्रिंक लेते हो ना? हाँ, ओकेशनली। दैट्स वेरी गुड। सुना है ना तुमने वो कहावत, नेवर ट्रस्ट अ मैन हु डजंट ड्रिंक। हेलो मम्मी, मम्मी मैं निधि बोल रही हूँ। निधि बेटा, तुम लोग हो कहाँ? कितनी देर से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, आशुतोष बकुल के यहाँ खाना खाने गया है। क्या, बकुल के यहाँ? और आशुतोष गया है क्या? क्या मतलब, तुम कहाँ हो? मम्मी, मैं उसकी कार में हूँ। मैंने बकुल के यहाँ जाने से मना कर दिया था, इसलिए वो मुझे कार में अकेले छोड़कर बकुल के घर चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मम्मी, इतनी देर हो गई है और अब तक वो लौट कर नहीं आए। तुम्हें गाड़ी में अकेला छोड़ के गया है? ये लड़का है कैसा? ये सब मुझसे मत पूछिए मम्मी, प्लीज। राधे राधे जी, क्या बात हुई साहब है जी? आशुतोष बकुल के यहाँ पे पहुंच गए हैं और बताओ या को बिटिया को गाड़ी में छोड़ गए? अरे हमने सोची भाई, पति पत्नी दोनों के दोनों शादी के बाद बाहर गए, बहुत अच्छी बात है, बागी बिहारी लाल कृपा। लेकिन जे ससुरे को वहां बकुल के पास जाने की क्या जरूरत थी? और ऐसी जरूरत थी तो हमको बता दे, तो हम निधि बिटिया को तो ना भेजते। देखो भाऊ जी, मेरी समझ में एक बात आ रही है साहब, जो कछु है रो है बहुत गलत है रो है। और जाकू रोकनो पड़ेगा, हाँ है कि ना है? बिल्कुल ठीक करे मामा जी आप, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, इसे रोकना ही पड़ेगा। आने दो इस आशुतोष को, ये अपने आपको समझता क्या है? इसे अब मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा इसे।
हेलो हेलो आशुतोष, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आशुतोष, यहाँ सबको पता चल चुका है कि तुम निधि को लेकर बकुल के घर गए हो और सभी लोग बहुत गुस्से में भी हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ प्रांजल, तुम फिक्र मत करो, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, ओके? हाँ लेकिन फिर ओके, आई रिलैक्स। आशुतोष, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ आशुतोष, एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे घर के लोग कोई भी नुकसान उठा सकते हैं लेकिन निधि की तकलीफ बिल्कुल नहीं। तकलीफ? मैंने निधि को कौन सी तकलीफ दी है? तुम निधि को उसकी मर्जी के खिलाफ बकुल के घर ले गए थे, ये भी एक तरह की तकलीफ हुई आशुतोष। और क्या तुम नहीं जानते कि बकुल हमारे पूरे खानदान का दुश्मन है? होगा, लेकिन बकुल मेरा दोस्त है और मेरी समझ से आपको इस मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बाय द वे सुमन जी, मेरे ख्याल से आप भूल रही हैं, आपके सो कॉल्ड रिटायर्ड कमिश्नर साहब जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आप मेरा क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, बहुत कुछ, और निधि के लिए तो कुछ भी, क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ। Oh, yes, मैं तो भूल ही गया था कि आप इसकी भाभी हैं। तो भाभी जी, आप क्या क्या कर लेंगे? To start off with, आशुतोष, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ कि तुम निधि को टॉर्चर कर रहे हो। इसके अलावा हमारे फ्लैट्स इलीगली बेचने के चक्कर में तुम पे फौजरी का केस भी कर सकती हो। तुम क्या समझते हो, निधि अकेली है, बेसहारा है? निधि का पूरा परिवार उसके साथ है आशुतोष, इसलिए जो भी कदम उठाओगे ना, सोच समझ के उठा। मैंने जो करना है वो मैंने सोच लिया है, सोच लिया है मैंने। यदि चलो बेटे, आशुतोष कमाल है सुरिंदर भैया, आप तो आशुतोष से बात करने वाले थे लेकिन ये तो चला गया। क्या बात करता फिर? देखा नहीं निधि का चेहरा, उसका उसका मासूम सा चेहरा देखकर मैं मजबूर हो जाता हूं, मैं कुछ बात नहीं कर पाता। भैया इस तरह से कभी कोई कुछ नहीं कह पाएगा, मैं जाकर आशुतोष से बात करता हूं। वीरेन, वीरेन, देखो हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। वही जो अब करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, अपना सामान वाले चलो। हम नहीं रहेंगे? देखिए आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। स्वीटहार्ट, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि पत्नी वही रहती है जहां पति चाहे, और मैं तुम्हारा पति हूं। यह ऐसा सच है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ ये सच है, लेकिन एक कड़वा सच, आप जो चाहे कर लीजिए,
मैं ये घर छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगी। निधि, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें एक जाहिल और गवार पति की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करूं। देखो, मैं एक जेंटलमैन हूं और प्लीज मुझे जेंटलमैन रहने दो। क्या देख रहे हो तुम? अपना सामान मांगो, जैसा मैं कहता वैसा करो। चलो निधि, चलो। आशुतोष। निधि, आशुतोष बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़कर? जी, और किस लिए ये पूछना है तो सुमन से पूछिए। सुमन से? सुमन? लेकिन हुआ क्या बेटे? हाँ, मुझे पहले यह बताइए कि सुमन कौन होती है, मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करने वाली, बात बात पर धमकी वाले अंदाज में मुझसे बातें करती रहती है, जबकि जबकि ये तो आपके परिवार से अलग है ना? आशुतोष। यस मिसेस सुमन सुमानी, मैं इस घर का दामाद हूं, आप भूल जाती है ये। आई मीन टू से, निधि के कारण जब ये लोग मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, मुझसे बात करने से पहले 50 बार सोचते हैं। तुम कौन होती है मुझसे बात करने वाली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगी और मैं इस घर में रुक जाऊंगा? नहीं सुमन, मैं इस घर से जा रहा हूं और निधि मेरे साथ जाएगी। चलो निधि। आशुतोष, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो सुमन। तुमने जो कुछ भी कहा, क्यों कहा? हाँ, तुम यही चाहती हो ना कि हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने नहीं रहे? लेकिन निधि, निधि यही रहेगी, इसी घर में रहेगी। हाँ, और आपको क्या लगता है मैं आप लोगों की ये घटिया बातें सुनता रहूंगा? जी नहीं। निधि चलो। नहीं आशुतोष बेटे, नहीं बेटे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम यही रहोगे। देखो, तुम्हें कुछ कहने का किसी को अधिकार ही नहीं है बेटे। और अभी निधि का सगे संबंधी जिंदा है ना बेटे, और सुमन तुम कान खोल के सुन लो, हमारे परिवार के मामलों में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ताहिमा, आप मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। चुप रहो सुमन, बात तो तुम नहीं समझ रही हो। बार बार क्यों इनके मामलों में दखल लेती रहती हो तुम? अरे, एक बार कहने से कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? लक्ष्मी, आप चुप रहिए। जब ये लोग अपने मामले खुद निपटाना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है बीच में बोलने की? भगवान के लिए, हमारे परिवार के मामलों में टांग मत अड़ो, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से तुम लोग। हाँ हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाओ। आप क्यों खड़े हैं? चलिए, आप भी चलिए। दुर्गा प्रसाद जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे? आज आपका मौन व्रत है क्या? कमाल है, आपकी बेटी और दामाद घर छोड़ के जा रहे हैं, आशीर्वाद नहीं देंगे? आशुतोष। सुरेंद्र, आशुतोष, तुम निधि के साथ कहीं नहीं जाओगे बेटे। अपना सामान लेकर कमरे में जाओ।